हेलो फ्रेंड्स, मेरी कुकिंग चैनल में सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नायलॉन खमन ढोकला। ये गुजरात की बहुत ही पॉपुलर डिश है और सबको बहुत ही पसंद आती है, तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले हम शुगर में नींबू फूल और नमक मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर लिया है। बड़े बाउल में मिक्सर ले लेते हैं, उसमें हम बेसन डाल देते हैं। बेसन को छान लेना ज़रूरी है। इसमें हम 300 ml पानी डालकर बैटर तैयार कर लेते हैं। से हम अच्छे से घोल लेंगे। इसमें लम्स बिल्कुल आना नहीं चाहिए। इसे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं ताकि चीनी बराबर मेल्ट हो जाए और हमारा बैटर ठीक से सेट हो जाए। दो मिनट्स हो गए हैं। अब इसमें कुकिंग सोडा और 2 टेबलस्पून पानी मिलाकर इसे घोल लेते हैं। तो ये हमारा बैटर तैयार है। स्टीमर में थोड़ा पानी डालकर स्टोव ऑन कर लेते हैं। पानी में नींबू का छिलका डालने से हमारा बर्तन खराब नहीं होता। प्लेट को ऑयल से ग्रीसिंग कर लेते हैं। प्लेट में हम बैटर डाल देते हैं। तरह से इसे सेट कर लेते हैं। ढक्कन को साफ वाइट कॉटन कपड़े से लपेट लेते हैं ताकि स्टीम का पानी ढोकले पर गिरे नहीं। प्लेट को हम स्टीमर में रख देते हैं। अब ढक्कन ढक देते हैं और इसे हाई फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। बीस मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठाकर चेक कर लेते हैं। अगर ये नाइफ में चिपकता नहीं, मतलब हमारा ढोकला बन गया है। इसे हम काट लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बने हैं। हम तड़का लगाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने ऑयल गरम करने रखा है। हमारा ऑयल गरम हो गया है। इसमें रायदाना डालकर इसे क्रैक होने देते हैं। तेजपत्ता, सूखी मिर्च, हरी मिर्च और करी पत्ता डाल देते हैं। तो ये तड़का तैयार है। इसे खमन पे छिड़क देते हैं। ये हमारा नायलॉन खमन ढोकला तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आप मेरी सभी वीडियो को देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।